वही आज हम करेंगे एकदम तगड़ा वाला नेक बैंड कंपैरिजन रियलमी के बड्स वायरलेस 3 वन प्लस बुलेट्स वायरलेस Z2 ANC बहुत बड़ा नाम है और उतना बड़ा प्राइस भी है 2300 रुपए। उसी की जगह ये मिल जाता है आपको 1800 रुपए में। क्या ये एक्स्ट्रा 500 रुपए आपको खर्च करने चाहिए या नहीं? हेलो गाइस, मैं हूं केएफ नॉइसटेक से। आज भाई खुलासा किया जाए कौन सा नेक बैंड आपको लेना चाहिए। तो भाई हमेशा की तरह सब कुछ साइड रख के सबसे पहले कनेक्टिविटी और साउंड की बात कर लेते हैं। रियलमी आपको देता है ब्लूटूथ 5.3, वन प्लस देता है ब्लूटूथ 5.2। कोई खास फर्क नहीं है, दोनों में ही AAC कोडेक है, दोनों में ही गूगल फास्ट पेयर है, दोनों में ही चुंबकीय शक्ति है। मतलब जैसे ही बर्ड्स को अलग किया आपके फोन से 2-3 सेकंड में पेयर हो जाएंगे। कनेक्टिविटी स्पीड्स अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। उसी के साथ दोनों में आपको ऐप सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे रियलमी लिंक मिलता है, यहाँ पे हे मेलेडी ऐप मिल जाता है। दोनों के ऐप अच्छे है, काफी सारे अंदर मोड्स मिल जाते हैं। आप अपने हिसाब से ANC मोड्स के बीच में स्विच करो या फिर बेस मोड्स नॉर्मल मोड्स के बीच में स्विच करो, बहुत ऑप्शन है। गेम मोड ऑन ऑफ करना, ये सारी चीजें हो जाती है ऐप्स में। अब भाई रियलमी एंड वन प्लस दोनों है चीनी चीनी भाई भाई। आपने अगर ऐप डाउनलोड नहीं भी किया, ब्लूटूथ सेटिंग्स के अंदर ही आपको ईयरबड फंक्शन मिल जाते हैं। वहां से मोर सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक किया तो रियलमी लिंक वाले ऐप में लेके जाएगा। इसमें तो ऐप की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आपके पास ये वाले फोन है तो यार ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शनलिटीज आपको मिलती है। उसी बात अब आ जाते हैं इनके साउंड क्वालिटी के ऊपर। 13.6 mm के ड्राइवर आपको रियलमी देता है, 12.4 आपको वन प्लस देता है। अब साउंड क्वालिटी पे आ जाओ तो देखो आपको ज्यादा बेस पसंद है, डेफिनेटली आपको वन प्लस पसंद आने वाला है। रियलमी मैंने एक चीज नोटिस की, जो पहले जो वायरलेस 2 आते थे उनमें थोड़ा सा ज्यादा बेस था कम्पेयर टू वायरलेस 3, इसमें थोड़ा सा बेस को कम किया गया, पता नहीं क्यों। बट ये वन प्लस आपको डेफिनेटली ज्यादा बेस देता है, थोड़ा सा ज्यादा रिचर साउंड देता है। यस, हल्के फुल्के आपको वोकल्स क्लियर मिलेंगे रियलमी में, एंड दोनों में ही ऑफ कोर्स अलग अलग मोड्स दिए गए, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा बेटर साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पे वन प्लस देता है। दोनों में से किसी से भी आपको साउंड डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा 100% वॉल्यूम पे, दोनों में ही अच्छा बेस मिलता है। बस जैसे मैंने बताया वन प्लस थोड़ा सा ज्यादा देता है, साउंड लीकेज हल्का फुल्का दोनों में ही होता है, मेरे हिसाब से वो चलता है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। ANC आपको मिल जाता है दोनों में। एंड यहाँ पे अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूँ, रियलमी का कहना है यहाँ पे आपको मिलता है अप टू 30 decibels वाला ANC, एंड यहाँ वन प्लस कह रहा है अप टू 45 decibels। रियलमी की बात करूँ तो ये 20-25 जितना काम करता है, वन प्लस स्लाइटली बेटर 25-30 जैसा, 45 जैसा कुछ काम नहीं करता है। ओवरऑल ये अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ थोड़ा सा वन प्लस आगे निकलता है, बट आपको ये भी चीज याद रखनी है 500 रुपए का फर्क है। 2200-2300 के हिसाब से मुझे वन प्लस का साउंड इतना अच्छा नहीं लगा। 1800 या 2000 का रहता था तब मैं बोलता था वन प्लस का साउंड बहुत अच्छा है। एंड एक चीज मुझे ऐसा लगा, ये लोगों ने ANC दिया, ANC की जगह पे अगर कोई अच्छा साउंड कोडेक दिया रहता था जैसे LHDC, LDAC, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहता था, ज्यादा अच्छी साउंड क्वालिटीज देता था। ANC मेरे हिसाब से सिर्फ एक मार्केटिंग फीचर है पब्लिक को बोलने के लिए, यहाँ पे एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है, पब्लिक को भी ऐसा लगता है यार ये तो बहुत बड़ा फीचर है, वो लोग नेक बैंड ले लेते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर साउंड कोडेक वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन। रियलमी आपको स्पेशल ऑडियो देता है, मेरे हिसाब से इतना बड़ा कोई मेजर फर्क नहीं लाता है साउंड क्वालिटी में। दोनों में आपको डॉल्बी साउंड मिल जाता है, अच्छा साउंड क्वालिटी वहां भी मिलेगा अगर आपका डिवाइस सपोर्ट करता है, एंड ऑफ कोर्स अगर वो सॉन्ग डॉल्बी सपोर्टेड है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो रियलमी 1800 में वैल्यू फॉर मनी साउंड देता है डेफिनेटली 100%। उसी की जगह वन प्लस की बात करूं, यस इससे अच्छा साउंड है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है 2000 के ऊपर नेक बैंड्स का प्राइस नहीं होना चाहिए, चाहे वो ANC के साथ क्यों ना आ रहे, क्योंकि वहां पे मुझे ऐसा लगता है फिर पब्लिक का एक सबकॉन्शियस माइंड रहता है कि यार इसके ऊपर तो TWS आते हैं वो क्यों ना ले ले। इसलिए मैं बोलता अगर इसका प्राइस 2000 के अंडर रहता था तब मैं बोलता था इसका साउंड क्वालिटी एकदम ओवर द टॉप है, वैल्यू फॉर मनी है। 2300 में थोड़ा सा वो वैल्यू फॉर मनी रेशियो नीचे गिर जाता है। ऐसी इन डेप्थ रिव्यूज एंड कंपैरिजन पसंद है तो भाई नीचे कमेंट करके बताओ अगला आपको किसका कंपैरिजन या रिव्यू वीडियो चाहिए, हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इनके डिजाइन के बारे में। टू बी ऑनेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे दिखते हैं, बट ये जो रियलमी का व्हाइट एंड ब्लैक वाला ये कलर है वाइटैलिटी व्हाइट, ये सही में बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा। वन प्लस का ये ग्रीन वाला कलर तो मुझे अच्छा ही नहीं लगा, कोई कपड़े के साथ अच्छे से सूट नहीं करता है। ब्लैक वाला तो भी डिसेंट दिखता है, बट ये ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ा सा अलग है, एंड लोग देखकर पूछते हैं भाई कौन सा नेक बैंड है। बाकी दोनों ही अच्छे दिखते हैं, दोनों ही IP55 रेटिंग के साथ आते हैं। रियलमी की बात करूं सारे बटन राइट साइड पे मिलेंगे, यहाँ पे वन प्लस में ऑन द लेफ्ट साइड मिलेंगे। दोनों का ही कंफर्ट अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे मुझे वन प्लस का कंफर्ट थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा, बट इसके साथ साथ अजर की बात करूं तो उसको रियलमी का कंफर्ट थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा, तो इतना कोई मेजर फर्क नहीं है। यहाँ पे ऑफ कोर्स परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है कि कंफर्ट किसको ज्यादा पसंद है, हालांकि दोनों ही बहुत कंफर्टेबल। उसी के साथ साथ वन प्लस में आपको एक एक्स्ट्रा बटन दिया क्विक स्विच के लिए, जैसे आप दो डिवाइस के बीच में स्विच कर सकते हो। रियलमी में डुअल डिवाइस पेयरिंग दिए, एक साथ दो डिवाइस से कनेक्ट करो वहां भी आप स्विचिंग कर सकते हैं, वो भी कोई इजी प्रोसेस है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। रियलमी में भी एक एक्स्ट्रा बटन है, बट वो एक्चुअली ANC स्विचिंग का काम करता है। वन प्लस में ANC स्विच करना है देन आपको बीच के MFV बटन के थ्रू करना पड़ेगा। बाकी अगर दोनों के कंट्रोल्स की बात करो तो सारी
चीजें कंट्रोल हो जाती है। यहाँ पे मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे गेमिंग मोड की बात करें तो डेफिनेटली रियलमी बेटर है, 45-46 मिलीसेकंड के आसपास की गेमिंग लेटेंसी देता है। OnePlus ऑन द वीकर साइड है, डबल है एक्चुअली, 95-96 मिलीसेकंड। एंड थोड़ा सा OnePlus में कंपैटिबिलिटी इशू आ सकता है कि खाली OnePlus के डिवाइस के साथ प्रॉपर काम करेगा गेमिंग मोड, बाकियों के साथ थोड़ा प्रॉब्लम देगा। वैसा प्रॉब्लम मैंने रियलमी के साथ नहीं देखा। एक मैंने माइक टेस्ट बनाया प्रॉपर वाला, आप यहाँ पे सुन लो। तो गाइस ये जो आप अभी आवाज सुन रहे हो, ये है माइक क्वालिटी OnePlus के बुलेट्स वायरलेस Z2 ANC की। अभी काफी शांति है एकदम स्टूडियो में, कुछ भी नहीं चालू है, और अब हम चालू करेंगे ये टेबल फैन फुल स्पीड पे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाले को कैसी माइक की से आवाज जाएगी जब आप किसी से बात कर रहे हो। फुल स्पीड पे फैन चालू हो तो पता चल जाएगा कि कैसी आवाज जा रही है। आप मुझे कमेंट में बताओ कैसी लगी। तो अब जो आप आवाज सुन रहे हो ये है माइक क्वालिटी Realme के इस वायरलेस 3 की। मैं भी अपने स्टूडियो में हूँ, एकदम शांति है, तो आपको समझ में आएगा कैसी माइक क्वालिटी आती है। अब हम करते हैं हमारा टेबल फैन चालू। फिर से फुल स्पीड पे टेबल फैन को चालू कर दिया है। पहले जैसे बात कर रहा था वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ आपको ये ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी है, OnePlus से बेटर लगी या Realme की बेटर, एक कमेंट है। फाइनली अगर मैं बात करूं बैटरी लाइफ की तो Realme चलता है 15 से 17 घंटे। यहाँ पे कुछ टाइम ANC ऑन रखा था, कुछ टाइम ऑफ रखा था, ऑफ ऑन के बीच में स्विच कर रहा था। उसी बाद OnePlus की बात करूं तो ये 2-3 घंटे ज्यादा चल जाता है, 17 से 20 घंटे के आसपास हम बोल सकते हैं। इसमें भी सेम ANC ऑन ऑफ के बीच में स्विच करते करते यूज किया। डिसेंट बैटरी है, OnePlus स्लाइटली बेटर है, बट दोनों ही मुझे थोड़ी सी कम लगी। मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा क्लोजर टू 30 आवर्स रहती थी बैटरी लाइफ विद ANC, ज्यादा अच्छा काम हो जाता था मेरे हिसाब से। तो देखो बजट कम है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ज्यादा मुझे ऐसे Realme ही लगा है 1800 रुपए में। OnePlus थोड़ा प्राइस ज्यादा, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है अगर ये 1800 से 2000 रहता था ये एक काफी ज्यादा अच्छी डील बन जाता था। अगर आगे जाके कोई डिस्काउंट्स आए, दोनों आपको सिमिलर प्राइस में देखने मिले, देन मैं आपको बोलूंगा आप OnePlus की तरफ जा सकते हो अगर आपको हैवी बेस पसंद है। अगर वो हैवी बेस आपको इतना नहीं पसंद है देन आप Realme लेके भी खुश हो सकते हो यहाँ पे भी, क्योंकि बहुत अच्छा साउंड मिलेगा। बट एक चीज याद रखना, अगर आप सिर्फ बेस के लिए सोच के ले रहे हो यार OnePlus नहीं लेता क्योंकि इसमें बेस ज्यादा और मेरे को बेस पसंद नहीं है, ऐप से आप स्विच करके बेस को भी कम कर सकते हो या खुद के कस्टम इक्वलाइजर्स बना सकते हो। दोनों ही नेक बैंड में ये पॉसिबल, बाकी दोनों ही डिसेंट नेक बैंड्स हैं, बट फिलहाल वैल्यू फॉर मनी Realme थोड़ा सा ज्यादा है। एंड इन दोनों को बाय करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे अगर आपको हमारे इनडेप्थ कंपैरिजन एंड रिव्यूज पसंद है तो एक भाई नीचे कमेंट छोड़ के जाना, देख के अच्छा लगता है हमें। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।